जवाब दीजिए है ना पढ़े लिखे चलो रजिस्टर क्या है बोलिए आप बोलिए ना क्या नहीं अखिलेश राम से बुलाओ अखिलेश राम को बुलाओ हम क्या बोले क्या है मत करो टीचर अखिलेश राम है तो अखिलेश राम है तो आएंगे कि नहीं आएंगे अखिलेश जी नहीं बोल सकते हैं बोल सकते हैं हमको जिया राम में क्या हुआ बोलिएगा क्या हुआ जी राम में ये बोल रहे क्या हुआ जी राम में इज्जत से नहीं बात किया अरे सुनो ना इज्जत से बात तुम इनका इज्जत बढ़ाने आई हो किनका इज्जत आपका भी इज्जत बढ़ाने आपका भी कुछ चुप रहो मेरा मैटर समझो आएगा पदाधिकारी पदाधिकारी को बुलाइए इसमें कोई लड़ाई का मामला लड़ाई का मामला नहीं बात करिए क्या नदन की हो गया टीचर है आप बड़ा है आपका टीचर हो के ऐसा बात बोलिएगा जो भी लिखना है ये का आपका भी तो टीचर के मामला नहीं है हमें कैसे बोलते हैं बोलने नहीं आता बोलने का पहले इनको समझाइए क्या करा हमारा कहाँ से बतियाना हमें समझाने तुमको कहे की चलो बताते बात करते हम तो चल जाओ लड़ाई करबे लड़ाई करना है तुम क्या पूछ रहे तुम तुम जाता पदाधिकारी को कंप्लेन करता इनके तरफ से तुम जाना था ना तुम थाने में जाता पदाधिकारी के यहाँ जाता तुम अच्छा लग रहा है कि बार बार लड़ाई होगा फिर तू भले आदमी रहता हमसे आके पूछता हम जा रहे थे इससे पहले भी बराबर हल्ला होता है बाबा इसमें क्यों नहीं गया राम पे आते हैं लड़ाते हैं बराबर हल्ला होता है बराबर किससे होता है पहले ही लोग करता है नहीं वो नहीं बराबर उनको तो हम बराबर सुनते रहते हैं लोग सर हम पागल है वो आई दुनिया चार को लड़ाई लगवाती है अच्छी है बात नहीं है मैडम रजिस्टर में गड़बड़ी की है रजिस्टर की बात है मतलब आवाज सुनते वही भीतर करके इनको जेल जाएगी अभी बाहर आते खराब लगता है ना ये हल्ला में सर अभी कोचिंग से आ रहे थे तो वही देखिए हल्ला तुम जितना ग्रामीण हो रजिस्टर में गड़बड़ी हम नहीं छोड़ेंगे उसको रजिस्टर में गड़बड़ी तो आप सुधारिए हम नहीं छोड़ेंगे उसको धीरे धीरे बोलिए जाओ रजिस्टर में गड़बड़ी कागज से लड़ो हमसे कागज से हमको लड़ो कागज से हम कागज से लड़ेंगे बोली से अच्छा बुलवा बुला आपका विभागीय काम है आप लोग विभाग पेपर समझ पेपर का मामला है आपस में लड़ने का जरूरत नहीं नहीं है बोलने का जरूरत तुमको एक मिनट आप लोग लड़िएगा हम लोग नहीं आएंगे बच्चा के सामने भी आप नौटंकी समझ रहे हैं नहीं हम मारपीट कर रहे हैं पहले तो बख्ती जैसा बोलते हैं तुमको पहचाना नहीं तुम उसका पहचान हो तुम उसका पहचान हो लड़की बुलाई है धोबी पटवारी इतना बड़का बात नहीं बोलेंगे कोड़ियों का गाँव शांति से रहो हमको बनना नहीं है मेरा रजिस्टर में जितना क्रमांक होना चाहिए वो होना चाहिए ये दो महीना से गड़बड़ी क्यों होता है चलिए तुम आके हमसे समझता था तुम आता मेरे ऑफिस में मेरे रूम में बुलाई तो तुम वहाँ आते हमसे समझते क्या मैडम जी क्या गड़बड़ी हुआ तुमको बुला के लिया कि ग्रामीण हमको धमकी देके ग्रामीण उमार के हमको जाएगी खून कर देगी मेरे गाँव में देखिए सुन लीजिए देखिए सुन लीजिए चलिए आप जाइए अब बराबर आते हैं अब बराबर आते हैं होता है तो हम चेहरा पहचान नहीं अब बराबर आते हैं हम चेहरा पहचानते हैं बराबर काम करते दोनों बुलाती हैं आप आते हैं सुनिए ना
हल्ला हो रहा था तो इनको नहीं पहचाना तुम्हारे उम्र के मेरा बच्चा हम एकदम सही बोलते है तू डकवाई अरे सुनिए तुम्हारे उम्र के मेरा बेटा इस सब कला समझा रहे हैं हमर बात कैसे समझते हैं अब विभाग से पूरे चलिए चलिए हम यही बात कहे कि हम विभाग पर निकल के चलिए ना भाई बुलाइए आप हम यही बात उनको कहे ना पड़ते हैं नहीं चुप हम यही बात उनको कहे थे हम उठे पल्ला झाड़ के चले गए गलती किए हुए है उनको कहे कि आप अगले व्यक्ति से जब मेरा 12 तारीख के हम इसमें चाहे तो आप 12 तारीख के नहीं किए 1 तारीख के जब आपको मिला था सूचना की प्रमाण के अनुसार हाजिरी मिला सुनिए तो आप क्यों नहीं चढ़ाए दो आदमी कोई नहीं होता है आपका विभाग का काम है विभाग क्यों नहीं समझिएगा दो आदमी कोई बाहरी तत्व कोई नहीं समझेगा जी तो फिर बाहरी क्यों चले आए हम किसी बाहरी को मैडम बाहरी तो नहीं है इसमें आप गलत बोल रहे हैं मैडम इसमें मैडम आप गलत बोल रही है बगल में घर मेरा हुआ नहीं बगल ये आप कह रही है बाहरी है चलिए हम अभी क्लास से आ रहे थे तो हल्ला हुआ था नहीं देखेंगे यहाँ का हल्ला हो रहा नहीं हो रहा आगे तो मैटर को समझिए चलो पहले मैटर समझो पहले बस हल्ला हो रहा था तो अभी क्लास से हम आ रहे थे जा रहे थे घर तो वही ना बोले हल्ला हो रहा है भाई हाथ कंगन को आरसी ना पढ़े लिखे को हम तो यही बात कहे की यही बात तो हम भी कहे की आप बीओ साहब नहीं दिए आप आदेश से फिर से पूछिए कि हाँ हाजिरी उनका कै नंबर में आएगा तो क्यों नहीं पूछे डेढ़ महीना पूरा बच्चा स्कूल में पढ़ते हल्ला नहीं देख रहे क्या पढ़ाएंगे किसी को नहीं जब हम आए ना तो बोले कि देखिए पिछला महीना में आपने गड़बड़ी कर दी है फिर इस महीना में जब हम आपको कहे कि बीओ साहब बोले हैं कि मैडम बीच में तो 12 तारीख से आपको हाजिरी जुड़ा है से आप अगला महीना में क्रमांक के अनुसार सभी का हाजिरी उसमें बनेगा तो ये अखिलेश जी चंचला जी को प्रभार के निकला बेकार ये प्रभार नहीं सब जो बीच में अखिलेश जी को जब किसी को आता है ना बाहरी कई लोग अखिलेश जी को ठीक है हमको उससे कोई आपत्ति हम 12 से मतलब जितना मेरा क्रमांक बनता है उतना नंबर मेरा हाजिरी चढ़ना चाहिए ना तो ठीक है पिछला महीना में छोड़ दिए कि 12 से स्टार्ट हुआ अगला महीना में 31 जब आया तो हम बोल दिए जी 1 तारीख के अखिलेश जी क्रमांक नंबर हम पता करके दियो हां भाई ये आपको बीओ के यहां भी लेके चलेंगे तो हम बोले उनको कि जब आप 1 तारीख से मेरा हाजिरी जितना क्रमांक के अनुसार चाहे हम कहें कि प्रभारी के मेरा बनता है गलत बोले प्रभारी के मेरा बनता है तो ये तीनों आदमी गुटरी पिटरी कर ली और चट से अखिलेश क्या किया कि लेकर के चंचला जी को 1 नंबर ठीक आप रख दिए कोई दिक्कत नहीं 2 नंबर मेरा बनता था ना आप 2 नंबर में चढ़ाते ना ये भी हम क्षम कर दिए आज कितना तारीख हो गया 15 तारीख 13 तारीख को निशा जी पदस्थापना विवरणी भेजी उसमें जब गलती करके भेजी है तब हमारे हम क्यों विभाग हमको बोले हुए व्यवसाय है जब आप क्रमांक के अनुसार हाजिरी चढ़ाइएगा आपको हम कह रहे आप नहीं सुने तो आप पूछते ना बीओ साहब से नहीं सब बात हम ही को आप कहिएगा आप प्रभारी मंगनी में बन जाइएगा तो कौन आदेश लेगी कि हम लेंगे आदेश नहीं जो प्रभारी बना हुआ आदेश लेगा कि हम आदेश लेंगे बोलिएगा बोलिए बीओ साहब को बुलाइए आदेश लीजिए अभी आएंगे बीओ साहब बुलाइए हल्ला करना है तो ना हल्ला करेंगे हम बात नहीं करेंगे हम नंबर आपको देते हैं बच्चा को पढ़ाने आइए ना।